नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने सुबह अपने इंस्टा हैंडल पे एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो था वो, तो उस पर मेरा कुछ आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं था, मैं बाहर था। तो अभी हम घर आ चुके हैं, तो उसके आने के बाद मैंने एक ट्रेड लिया था। एक्चुअली मैं ट्रेड लेने के पीछे के रीज़न भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, जो हमेशा दिखाते हैं। तो देख सकते हो लोडिंग हो रहा है स्क्रीन पर अभी। तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो 4000 के आसपास है, और सुबह जो किया था वो 1774 था। और आने के बाद मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था, क्वांटिटी थोड़ा कम था, तो उसमें मैंने लगभग 2200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो उसके भी ऑर्डर दिखा देते हैं, और सुबह की भी ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सुबह के ये देख सकते हो, यहाँ पे 917 कर्सर को देखिए, 917 को था, और आने के बाद मैंने ये 1341 मतलब 2:45 बजे के आसपास, 1145 के आसपास लिए गए ट्रेड थे। ये भी रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। तो क्या लॉजिक था, क्या सारी चीज़ें थी। एक्चुअली मैं सुबह जो ट्रेड लिया था उसको ट्रेल करता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता लोग दोस्तों हमें, लेकिन हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं था। जो हमने कॉल शॉर्ट किया था 29,700 का, उसका भी प्राइस अब दिखा देते हैं कहाँ पे आ चुका है। वो देख सकते हो वो 104 के आसपास है, और हमने सुबह इसको 360 के आसपास शॉर्ट किया था। तो लगभग मोर देन 260 पॉइंट्स मिल सकते थे, कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ट्रैवलिंग के कारण वो हो नहीं सका। हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं था और नेटवर्क का भी इशू चल रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, आने के बाद हमने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। जो लिया था 29,300 का पीई हमने शॉर्ट किया था। पीई शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो कौन से टाइम पे किया था वो भी थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको तो पता होगा कि स्कैल्पिंग में हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसी कुछ चीज़ें होती नहीं है और काम भी नहीं करती है, लेकिन हमेशा स्कैल्पिंग करने के लिए आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20-30 पॉइंट का टारगेट। एक्चुअली स्कैल्पिंग करने के लिए बड़े क्वांटिटी में काम किया जाता है, और अपना 20-30 पॉइंट का टारगेट लेके उस ट्रेड से बाहर निकला जाता है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो जो मैंने ट्रेड लिया था उसके भी दिखा देता हूँ। तो 200 क्वांटिटी बाई की थी मैंने 1141 को, तो कौन सा टाइमिंग भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आज का भी टाइमिंग देख सकते हो नीचे, ये 2 बजे अभी मार्केट शुरू है, और डेट भी देख सकते हो 2 दिसंबर है। तो 1141 मतलब 1:41 कहाँ पे आता है ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हो ये यहाँ पे आता है शायद, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे तो आता है ये कैंडल पे, ठीक है, 131 का कैंडल ये थे। उसके बाद ये जो छोटा मुंह आया था वो मैंने कैच किया था, उसमें लगभग मैंने 30 पॉइंट का मतलब अपना जो टारगेट अचीव किया था। तो क्या चीज़ें थी इसके पीछे कि मैंने ये कैसे समझ लिया कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। एक्चुअली ये जो ट्रेंड दिख रहा है सुबह से आपको दोस्तों, ये लाइन को भी हटा देते हैं। अभी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसको सबसे पहले 15 मिनट लेके जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी 2 बजे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा जाऊंगा तो चीज़ें आप मतलब रिलेट नहीं कर सकोगे। तो देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ, ओके। तो ये सुबह का पहला कैंडल है, 9:15 का पहला ही कैंडल रेड बना था। उसके साथ ये अपना इसने एक पैटर्न भी ब्रेक किया था, ये भी देख सकते हो, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी ब्रेक किया था। उसके बाद फॉल आया था, अच्छा खासा फॉल आया था, और हमने ये सुबह ही भाप लिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया रीज़न क्या था। तो ये जो मूव आया था, ये बीच में थोड़ा सा ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये मतलब ये जो मोमेंट था ये रिट्रेसमेंट बोला जाता है। मतलब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो सीधा कैसे ऐसे कभी ट्रैवल नहीं करता है वो, नीचे भी जाएगा तो नीचे जाके थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा, फिर से रिट्रेस करेगा, फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। तो सुबह हम इसी डायरेक्शन में थे, लेकिन बताया मैंने आपको रीजन क्या था। तो मैं एक रिट्रेसमेंट पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने अपना पी शॉर्ट किया था, ठीक है। पी शॉर्ट करने का मतलब भी आपको पता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जिस टाइम पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसी टाइम को मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो रीजन भी बता दिया मैंने आपको क्या था, तो थोड़ा सा मोमेंट भी दिखाया मैंने आपको, कौन सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया था। ज्यादा बड़ा नहीं मोमेंट, छोटा ही मोमेंट था, ये मोमेंट मैंने कैप्चर किया था दोस्तों, ये वाला मोमेंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहीं भी चली जाए, जो मैं मोमेंट कैप्चर करना चाहता था वो मैंने कैप्चर कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट नीचे भी जाएगा तो थोड़ा रिट्रेस करना पड़ता है, फिर से नीचे फ्रेश सेलिंग होती है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही नीचे आई तो ये अपना लो के आसपास था, दिन का लो पे, तो यहाँ से रिट्रेस होना बनता था। तो यही अपना छोटा मोमेंट मैंने कैप्चर किया और फिर से एक बार ही नीचे आ चुका है, और फिर से एक बार रिट्रेस अभी नीचे। अगर मार्केट को इससे नीचे जाना है तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे जाना पड़ेगा। तो ये प्राइस एक्शन की बातें होती है दोस्तों, आने वाले वीडियो में प्राइस एक्शन क्या होता है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और आने वाले मतलब जो भी अपडेट होते हैं हम इंस्टा जो हमारा इंस्टाग्राम है वहाँ पे हम डाल देते हैं, और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब आप शेयर और सब्सक्राइब करते हो तभी हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम आने वाले टाइम पे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।